सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार अशोक तंवर को नरवाना के दनोदा गांव में भारी जन समर्थन मिला। इस दौरान उनके साथ सुभाष बराला भी मौजूद रहे। जनसभा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। अशोक तंवर का मंच पर पहुंचने पर फूल मालाओं से लोगों ने भारी स्वागत किया। भीड़ को देखकर अशोक तंवर व बराला की जोड़ी गदगद नजर आई। अशोक तंवर ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बीजेपी पार्टी को मजबूत करते हुए 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर कमल खिलाने का काम करें। मोदी जी ने 10 साल के अंदर 12 लाख शौचालय बनवाए और उन्होंने मजाक उड़ाया। अगर आजादी के 55-60 साल गैर भाजपा सरकारों का राज रहा, अगर उन्होंने छोटी छोटी बातें सोची होती कि हमारे घर के अंदर शौचालय की भी जरूरत है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा की जरूरत है, अगर बीमार पड़ जाए तो अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है और हमारे गांव के अंदर आधारभूत ढांचा गलियां नालियां पक्की हो। पुराने समय में याद करिए, गलियों के अंदर कीचड़ ही कीचड़ होता था, अब नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर थे। ये दूसरे पार्टियों के, ये जो है कांग्रेस और उनके जो दूसरे सहयोगी दल है उनकी देन है। आज उस परिस्थिति से निकाल करके हर गाँव के अंदर लाइब्रेरी करोड़ों रुपए की ग्रांट दी, आज हर गांव के अंदर पीने का पानी है, आज हर नल से जल की व्यवस्था सरकार ने करने की कोशिश करी और कई कमी है, तो आने वाले 5 साल में जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जब भारत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा तो हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, इसलिए पूरी ताकत लगाइए। मुद्दे तो तमाम है, ज्यादा मुद्दों की हम चर्चा नहीं करना चाहते। माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई है, आप बताइए 10 साल पहले 1000 रुपए पेंशन दी जाती थी, आज कितनी पेंशन है? 3000 रुपए पेंशन है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे हम लोग कोई पेंशन देने का, 3-3 गुना बढ़ोतरी हुई हर चीज के अंदर। इसलिए और आने वाले समय में इन्हीं माताओं बहनों के बीच में से मोदी जी का ये संकल्प है कि हम 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में 12 लाख शौचालय बनवाए, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल के राज में जनता के बारे में नहीं सोचा। वहीं तंवर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हालांकि चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जीत किसकी होगी इसका फैसला आने वाले लोकसभा चुनाव में ही होगा। जींद से गुलशन चावला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।